नॉली टीवी के मौजूद हम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको आगाह करूंगा कि हमने कभी ना कभी किसी मूवी में देखा होगा कि एक दरख्त अपनी जगह से निकलकर बाहर आ जाता है और वो दूसरों पर हमला भी करता है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। मगर ये सब मंजर देखकर हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ किस्सों कहानियों में होता है और असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सच में होता है और दुनिया में ऐसे भी दरख्त पाए जाते हैं जो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको उन दरख्तों के बारे में आगाह करूंगा जो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं और इस बारे में भी आगाह करूंगा ये कहाँ पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुँच सके। शुक्रिया। दोस्तों एक बार डोर के जंगलात में पाए जाने वाले दरख्त को दुनिया का सबसे पहला चलने वाला दरख्त करार दिया गया है क्योंकि ये मौसम के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करते हैं और सूरज की जानब बढ़ते हैं। और दोस्तों ये दरख्त एक साल में 20 फीट तक आगे बढ़ सकते हैं। इन दरख्तों को मैरिथन कहा जाता है जिनकी जड़ें दरख्तों के लिए पैरों का काम करती है और ये जड़ें इसको आगे बढ़ने में मदद देती है। दोस्तों ये दरख्त आगे बढ़ने के लिए नई जड़ें उगाता है और आस्ता आस्ता आगे की तरफ झुक जाता है और इसकी पुरानी जड़ें खत्म हो जाती हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी में भी आपने इस तरह का दरख्त देखे होंगे जो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। ये दरख्त एक दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ सकते हैं। एक माहिर साइंसदान ने इस बारे में तहकीक की कि आखिरकार ये दरख्त आगे किस तरह बढ़ते हैं और इनके आगे बढ़ने की क्या वजह है। उन्होंने ये बताया है कि जैसे जैसे मिट्टी कम होती जाती है तो दरख्त नई और लंबी जड़ें उगाता है जो एक ठोस जगह तलाश करती हैं और वो जड़ें आस्ता आस्ता मिट्टी में दांस जाती हैं और ये दरख्त नई जड़ों पर मुंतकिल हो जाता है और ये दरख्त आस्ता आस्ता सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है। इस दरख्त की लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती है इसलिए इसको काट कर घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर कुछ लोग कुदरत के इस अजूबे को अपनी जरूरत के लिए काट कर खत्म कर रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत ने इस जगह को टूरिस्ट के लिए एक नया मुकाम बनाने का इरादा किया है। मगर क्योंकि इक्वाडोर दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल होता है जो नहायत ही महफूज जगह है, मगर ये दरख्त इतने ताकतवर नहीं है कि लोगों की पहुँच से बच सके। अफसोस की बात यह है कि लोग इन्हें अपनी जरूरत के लिए तेजी के साथ खत्म कर रहे हैं और तेजी के साथ वहां पर रहने के लिए घर बना रहे हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है क्योंकि वो कुदरत के इस अजूबे को बहुत तेजी के साथ खत्म कर रहे हैं, जो कि एक नाकाबले कबूल बात है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।